सिलेबस में कॉस्टिंग में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट वी हैलकुलेटिव हाँ और बहुत सारे जर्नल एंट्रीज से भरा हुआ चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स। जिसमें हम इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और बहुत सारे जर्नल एंट्रीज यहाँ पे आने वाले तो थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बन जाएगा चैप्टर नंबर सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन है ब्रिजेस है रेलवेज है, है तो इसके जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सीखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर आएगा एंड दैट इज़ दी प्रोसेस कॉस्टिंग तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस जो बेसिस पे रॉ मटेरियल्स एक से प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस 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 में में जाता है, दूसरे से थर्ड एंड सिमिलरली सिस्टम ऑन नंबर थ्री सारी चीजें पढ़ेंगे एक एक करके आगे और डिटेल में बताऊंगा कि कॉस्ट कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है चैप्टर नंबर फोर्थ जो आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग तो मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे जैसे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ब्रेक इवन पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये सारी चीजें हम मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे ओवरऑल देखा जाए तो काफी इजी टॉपिक काफी स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए ये सेमेस्टर सिक्स में बन जाएगा चैप्टर नंबर फिफ्थ जो आखिरी टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर

और मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलास थोड़े अलग अलग भले रहे लेकिन ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है बिकॉज मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये दोनों पे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं और ये डायरेक्टली फिफ्टीन मार्क्स का क्वेश्चन इसमें नहीं आता अगर ट्वेंटी मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आया तो दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो बेसिकली अगर हम देखें चैप्टर नंबर वन से शुरू करते हैं वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर वन तो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स में हम पढ़ने वाले हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो इसमें हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का डिफरेंस क्या है और ये क्यू यूज किया जाता है फिर जो जरल एंट्रीज है रिलेटेड विद नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू सी एंड देन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लेजर अकाउंट्स विच आर प्रिपेयर अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जरल एंट्रीज को याद रखने का तरीका क्या है किस तरीके से आप जरल एंट्रीज को याद रख के अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं तो जैसे मैंने बताया कि जो न्यू ईयर का रिजोल्यूशन है आप सभी का न्यू ईयर का कोई रेजोल्यूशन होगा तो इस न्यू ईयर का रिजोल्यूशन मैंने मेरा ये रखा है कि बहुत सारे बच्चों को गाइड करना है एंड उसके बेसिस पे उनको क्लास में वो टॉपर कैसे बने उस पर ध्यान देना है तो ये कोर्स मैंने इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि आप इतनी चीजों को अगर फॉलो करोगे तो भी आप अच्छा खासा स्कोर आपके एग्जाम में कर पाओगे जिससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है तो so नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल ईयर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट सिंगल ईयर एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक है स्कोरिंग भी आप कर सकते हो सिर्फ अगर आप प्रॉपरली इसका बेसिक समझ जाओगे तो आपको इसके कोई भी इश्यू नहीं होंगे और हम इस तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपको इसके बेसिक्स इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर पेपर में आते हैं बिकॉज अभी अगर देखा जाए तो अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे वीडियो के बेसिस पे सीखेंगे इसीलिए मैंने कहा था कि ये पूरा एक कंप्लीट कोर्स है तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर ले काफ़ी नॉमिनल फीस यहाँ पे मैंने रखी है जिससे आपका पूरा का पूरा कॉस्टिंग और पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कवरअप हो जाए नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू फिनिश प्रोडक्ट तक जाता है तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग एन वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बेस ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत सारे टाइप्स इसमें नॉर्मल वैरायटी सेल वैरायटी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल गेन है नॉर्मल लॉस है फिर कॉस्टिंग पीरियडल है तो ऐसे हमको देख यहाँ पर सीखना है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नई होगी तो वो नई चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके एक एक वीडियोज में देखते जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट विल बी चैप्टर नंबर फोर्थ दैट इज योर मार्जिनल कॉस्टिंग तो मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग के सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे देन हम इसके फॉर्मुलाज पढ़ेंगे बिकॉज ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूलाजर कम्फर्टेबल विदार्मलाज देन द चैप्टर विल बी ईजी फॉर यू तो फॉर्मूलाज को बाहैट नहीं करना है फॉर्मूलाज को याद रखने का एक तरीका बताऊंगा जो मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज है उसको याद रखें फाइव मिनट्स के अंदर फॉर्मूला रिवाइज कर लो और पूरे के पूरे क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे आपके रहेंगे फर्दर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमको इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं and the next topic is last topic of your syllabus that is called standard costing तो so, इसमें हम standard देखेंगे कि material के जो variances होते हैं labor के जो variances होते हैं material में standard cost कितनी थी actual cost कितनी थी मतलब standard जो हमने सोचा था और actual जो market में देखा तो उसका प्राइस अलग निकला तो बेसिकली वी आर फाइंडिंग अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंड आइडेंटिफाइंग द differences which इज कॉल्ड एज द variances इन दिस चैप्टर तो इन दिस चैप्टर also यू आर गोइंग टू लर्न

इजी तरीके से मैंने एक शॉर्टकट्स बनाए हैं कि वो आपको याद रखने की हेल्प करेंगे फिर इसके भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज और वो सारी चीजें तो दिज आर दिलेबस दिज आर द बेसिक चैप्टर्स विच यू आर गोइंग टू लर्न इन यूर टी वाई बी कॉम सेमिस्टर सिक्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग सो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है आप देख रहे थे कि क्या होगा कोर्स में कैसे होगा तो इसी सिस्टमैटिक वे से हम पढ़ने वाले हैं जैसे मैंने आपको ये सिस्टमैटिक फॉर्मैट सिस्टमैटिक चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया है सारी चीज़ें करवाऊँगा और लाइव सेशंस भी लूँगा तो अगर आपको लगता है कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है क्लास में टॉप करना है तो इस कोर्सेज में एनरोल ज़रूर करें तो आपको हंड्रेड परसेंट बेनिफिट मिलने ही वाला है बिकॉज ये कोर्सेस आपको इस तरीके से सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करवाएंगे कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एच फ्रॉम दिस वीडियो सब्सक्राइब कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम का चैनल है यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब कर ले टेलीग्राम का चैनल भी है तो so, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर ले वहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम वहाँ पर भी ज्वाइन कर ले मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको शेयर करते ही रहता हूँ थैंक यू वेरी मच चैप्टर नंबर वन से शुरू करेंगे अगले लेक्चर में होप आप सभी लोगों ने तब तक एनरोल किया होगा तो चैप्टर नंबर वन बेसिक्स के साथ शुरू करेंगे अगले लेक्चर में थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो एज ऑलवेज़ वर्क हार्डर Be smarter.